हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक स्पेशल ट्रिक समझने जा रहे हैं। उस ट्रिक को समझने के बाद एक दिए गए नंबर के कितने डिवाइजर्स हैं, उन डिवाइजर्स को अगर हम आपस में ऐड करें तो उनका सम क्या आएगा, और यदि हम डिवाइजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या होगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम सोल्व करना सीखेंगे, और उस स्पेशल ट्रिक के बाद ये सारी प्रॉब्लम आप आसानी से बेहद कम समय में सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिवाइजर्स की। तो डिवाइजर्स होते क्या हैं? तो देखिए, अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो डिवाइजर्स और फैक्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 10 इक्वल 5 इंटू 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 के कितने फैक्टर हैं, दो फैक्टर, एक 5 और एक 2। और यहाँ दोनों ही फैक्टर किसे डिवाइड कर रहे हैं, 10 को। यानी जो फैक्टर होता है वो डिवाइज़र भी होता है। तो फैक्टर और डिवाइज़र में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि हाउ मैनी डिवाइजर्स या फिर हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, तो दोनों का एक ही मतलब है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दैट इज़ फैक्टर को डिवाइज़र भी कह सकते हैं और डिवाइज़र को फैक्टर भी कह सकते हैं। अब हमें किसी नंबर के सारे डिवाइजर्स का सम निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, ये भी देखना है कि डिवाइजर्स कितने हैं। तो देखिए, हम एक ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे सबसे पहले, है ना, ट्रायल मेथड। तो ट्रायल मेथड में मैं एक नंबर ले रहा हूँ 24। इस 24 के कितने डिवाइजर्स हैं, उनका सम क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये सब हमें फाइंड करना है। तो देखिए, ट्रेडिशनल मेथड में जो जनरली ट्रायल मेथड होता है उसमें हम इसके यहाँ ट्रायल ले लेकर हम क्या है कि इसके सारे फैक्टर इमेजिंग करेंगे। तो देखिए, हम इसके सारे फैक्टर अगर हम जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो निकालें, तो देखिए 24 का जो फैक्टर है, फैक्टर विद 1, विद 2 और फैक्टर विद 3, फैक्टर विद 4 और फैक्टर विद 5, ठीक है। तो देखिए, 24 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स थे वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। इसके अलावा 24 का कोई भी फैक्टर नहीं है, और हम जानते ही हैं कि फैक्टर इज आल्सो ए डिवाइज़र। तो यहाँ पर देखिए, 24 के कितने डिवाइजर्स आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए मैं एक साथ लिख देता हूँ। डिवाइजर्स ऑफ 24, तो देखिए क्या क्या डिवाइजर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। तो देखिए, हमने ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग हमने ट्रायल लिए, पॉसिबल फैक्टर्स निकाले, और टोटल अगर हम डिवाइजर्स की बात करें तो टोटल डिवाइजर्स कितने हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल 8 डिवाइजर्स कौन कौन से है वो हमने फाइंड कर लिए। जब सारे डिवाइजर्स फाइंड हो जाते हैं तो उनको हम काउंट करें तो क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 24। कितना होंगे टोटल, काउंट करिए इसको, 8। अब अगर हम बात करें सम ऑफ डिवाइजर्स की, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 24, सबको अगर ऐड करें 36, 44, 60। तो देखिए, सारे डिवाइजर्स को अगर हम काउंट करें तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और सभी को अगर हम ऐड करें तो सम ऑफ डिवाइजर्स। अब यदि इन सभी डिवाइजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए हम क्या पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर्स, ऑफ 24। तो देखिए, इन सबको मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, 24 और ये 24, 24 स्क्वायर 576। अब हम रिमेनिंग डिवाइजर्स लें तो 12, 8,
रिमेनिंग नंबर्स का भी कितना आएगा 576। और फाइनली अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा 331776। तो देखिए यहाँ पर हमने ट्रायल मेथड का यूज किया और ट्रायल ले लेकर हमने सारे डिवाइजर्स निकाले, उन सब डिवाइजर्स को काउंट किया तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स, उन्हें ऐड किया तो सम ऑफ डिवाइजर्स, और मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर्स इजीली हमने फाइंड कर लिया। ये तीनों रिजल्ट हमने ट्रायल मेथड से निकाल लिए। लेकिन देखिए अब हम 24 के डिवाइजर्स कितने हैं और उनका सम क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये हम एक स्पेशल ट्रिक, एक स्पेशल मेथड के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो देखते हैं अब हम स्पेशल मेथड। तो देखिए अभी हमने ट्रायल मेथड से 24 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर्स को फाइंड किया है। अब ये तीनों रिजल्ट्स हम एक स्पेशल मेथड की हेल्प से भी फाइंड करेंगे। तो देखिए वो स्पेशल मेथड होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम 24 के प्राइम फैक्टर करेंगे। अब 24 के प्राइम फैक्टर हम जनरली बहुत इजीली कर सकते हैं। प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 3। जब प्राइम फैक्टर हो जाए तो इसे हम सोल्व करके लिखेंगे। इसे अगर हम सोल्व करें पावर की फॉर्म में तो 2 की पावर तो कितनी हो जाएगी 3, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1। अब यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ डिवाइजर्स किस तरह से हम फाइंड करें, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 24। तो देखिए 24 के अगर हम डिवाइजर्स कितने हैं इसको अगर हम फाइंड करें तो यहाँ जितनी भी पावर आप देख रहे हो उस पावर में हम एक प्लस करेंगे और आपस में उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म में कितनी पावर है 3, तो इसमें हम एक ऐड करेंगे। सेकेंड टर्म की कितनी पावर है 1, इसमें भी हम एक ऐड करेंगे। और इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना रिजल्ट आएगा, 4 × 2 दैट इज 8। तो देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आया 8। तो 24 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे 8। क्लियर। तो देखिए बेहद आसान प्रोसेस है नंबर ऑफ डिवाइजर्स की, जितनी भी टर्म आती है उसकी पावर्स में प्लस वन करके आपस में हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड हो जाते हैं। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ डिवाइजर्स। तो देखिए सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर को पावर की फॉर्म में लिखा, यहाँ दो टर्म आई है और उन दोनों टर्म की पावर में एक प्लस करके मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड हो जाते हैं। और सम ऑफ डिवाइजर्स को फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ दोनों टर्म के जो डिवाइजर्स हैं उनको सम करके हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम 2 की पावर 3 के डिवाइजर्स का सम निकालेंगे। तो देखिए प्रोसेस क्या है, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 दैट इज 3। तो देखिए अब हम बात करें 2 की पावर 3 के डिवाइजर्स की। तो 2 की पावर 3 के डिवाइजर्स क्या हैं, तो देखिए 2 प्राइम नंबर है और जब प्राइम नंबर पे कोई पावर लेते हैं तो उसके डिवाइजर से 2 की पावर 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाएंगे, 2 की पावर 3 तक। तो देखिए 2 की पावर 3 के डिवाइजर्स का सम क्या होगा, 2 की पावर 0
टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री। ज़ीरो पावर से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, यहाँ जितनी पावर है वहाँ तक चले जाएंगे। तो टू की पावर थ्री के जो डिवाइजर्स हैं यही हैं, इसके अलावा और कोई डिवाइजर्स नहीं हैं। अब हम बात करते हैं सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ थ्री। तो थ्री के जो डिवाइजर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, थ्री की पावर ज़ीरो और थ्री की पावर वन। अब हम इसे सोल्व करें, फिफ्टीन इंटू फोर दैट इज सिक्सटी। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना है, एट, और सम ऑफ डिवाइजर्स की वैल्यू कितनी आई है, सिक्सटी। अब हम इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर्स किस तरह से निकालें, उसका भी एक सिंपल सा प्रोसीजर है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए हम 24 पे हम एक पावर लगाएंगे, हमें 24 के डिवाइजर्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो 24 पे जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स है उसका हाफ करके हम इस पे पावर लगा देंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाई टू। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाई टू दैट इज 24 की पावर फोर। और 24 की पावर फोर यानी 24 का स्क्वायर इंटू 24 का स्क्वायर दैट इज 576 इंटू 576। और पहले भी हमारे क्या रिजल्ट आया था, 576 को 576 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट था पहले 331776। तो देखिए इस तरह हम यहाँ नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर्स बेहद आसानी से काफ़ी कम समय में फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये स्पेशल मेथड था और एक हमने इससे पहले ट्रायल मेथड देखा था। तो ट्रायल मेथड और स्पेशल मेथड में डिफरेंस क्या है, देखिए ट्रायल मेथड वहीं सक्सेस होता है, वहीं सूटेबल होता है जब कोई छोटा नंबर हो। जब हम कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं तो ट्रायल मेथड से कैलकुलेशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। इसलिए देखिए चाहे नंबर छोटा हो या बड़ा हो, सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है स्पेशल मेथड। इसकी हेल्प से हम आसानी से बहुत कम समय में नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर्स ईजिली फाइंड कर सकते हैं।